मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड्स हैं और वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी आर्थर पर बेस्ड है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होऊंगा। वो के लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम आर्थर को देखते हैं जो कि किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कुछ शरारती बच्चे वहाँ पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। आर्थर यहाँ पर जोकर बना होता है। वो उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपना साइन बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुँह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है और उसके बाद फिर वो आर्थर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं। आर्थर काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। बॉस उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन आर्थर अपने कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार। और इसी के साथ वो उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। आर्थर ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो आदमी जबरदस्ती उसे गन दे देता है और फिर आर्थर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और वो आर्थर से कहती है कि हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर आर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि आर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। वो बस में बैठे हुई उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये दवाई बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही वो उसकी डायरी खोलती है, उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर आर्थर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो आर्थर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा रिच बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी पर आते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो आर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेटर के बारे में पूछती है तो आर्थर कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की आर्थर के घर पर आती है। वो उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिस पर आर्थर उसे कहता है कि हाँ, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और जल्दी उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। आर्थर को एक और जगह से जोकर की ऑफर आती है। वो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है और जब आर्थर वहाँ पर जाकर डांस कर रहा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होता है कि इसके पास गन क्या कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। वो अपने बॉस को कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कोलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली। यहाँ पर आर्थर का दिल दोबारा से बहुत दुखता है कि उसके कोलीग ने तो उसे जबरदस्ती ये गन दी थी। फिर हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन में घर जा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वेन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। आर्थर उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। आर्थर को उन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकाल कर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं और वो काफी सुकून में भी था। आर्थर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सब जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड्स देना बंद कर दिया है और अब के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। आर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है और उदास होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और परेशानी में जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा ये लेटर थॉमस के लिए पोस्ट कर दो। आर्थर जब ये पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। आर्थर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है। उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर उससे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटा कर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है, उसने ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर आर्थर को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आर्थर जब घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। आर्थर जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि ट्रेन में उस दिन जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो। तो आर्थर आगे से कहता है नहीं मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और वहीं पर वो सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर आर्थर का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक से उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब आर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी, ये देखकर आर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। थॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स का मास्क पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है। आर्थर देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउन्स बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब की या उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। उस स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें मना करती है। हर तरफ हलचल मच जाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। वो थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था। आर्थर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे जोरदार मुक्का मारता है, यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। आर्थर घर चला जाता है और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट आर्थर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी आर्थर को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने आर्थर की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है। तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि आर्थर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था, वो उसे बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था, मारा करता था और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वो वहाँ से सीधा अपनी दोस्त यानी उसी सिंगर मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं, वो असल में सिर्फ सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विजन आया करते थे। आर्थर अपने माँ की चोट की वजह से काफी परेशान होता है। वो हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। घर आकर देखता है तो उसे पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए और रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपने कोलीग को पूरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद आर्थर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो अब अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी कर रहा था। वो बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उससे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर आर्थर वहाँ से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। आर्थर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ न बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी एडमायर कर रही होती है। वहाँ पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनके क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस गेटअप में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊँ। वो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं कि सब इंसान बराबर नहीं होते या अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है। वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हरगिज़ नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन आर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन आर्थर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं, वो किसी से नहीं डरा होता। पुलिस इस बात पर जोकर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से दूर ले जाने लगती है। लेकिन आर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज्यादा सारी स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर कर देते हैं जिसकी वजह से वो पुलिस कार उल्ट जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था। वो उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। उसके मुँह और नाक से काफी खून आ रहा था लेकिन वो उसी खून से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे गम, तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली अब उसे तारीफ कर रहे थे, उसे अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं कहता। फिर सीन चेंज होता है और हमें आर्थर यानी जोकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंस रहा होता है तो वो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम बिला वजह क्यों हंसते रहते हो। तो आर्थर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी और ये कहकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लेसन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो बुरा ना भी हो तो एक ना एक दिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी अजियत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई और अब वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई था। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।